है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं वेज कीमा। और अगर आप ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे कि आपको रेस्टोरेंट्स में मिलता है। तो वेज कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है 1 कप सोया चंक्स, जिसको हम सोया वड़ी भी कहते हैं। ये जो सोया चंक्स है ये आपको किसी ग्रोसरी स्टोर में से आसानी से मिल जाएंगे। ये जो सोया चंक्स या सोया वड़ी है इसमें आपको उतना प्रोटीन मिलता है जितना आपको मीट में से मिलता है। तो अगर आप भी मेरी ही तरह एक वेजिटेरियन हो तो ये जो सोया वड़ी है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये सोया वड़ी काफ़ी हार्ड होती है तो इसीलिए उसको सॉफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको सॉफ्ट करने के लिए हम एक पतीले में या फिर एक कढ़ाई में 2 से 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इस पानी को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। पानी में जब एक बार उबाल आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और अब इसमें जाएगा 1 कप सोया वड़ी। अब इन सोया वड़ी को आपको हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए उबालना है ताकि ये एकदम ही सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है और ये जो सोया वड़ी है ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब आप इसे बाहर निकाल लीजिए और इसको पानी में एक बार अच्छे से वॉश करिए। फिर आप इन्हें इस प्रकार से एक प्लेट में फैला लीजिए ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। और जब ये एक बार अच्छे से ठंडा हो जाए तब आपको इसमें से सारा पानी निकालना है। अगर ये जो सोया वड़ी है इसमें पानी रह जाएगा तो जब आप इसको पीसोगे तो उसकी पेस्ट बन जाएगी और इससे जो वेज कीमा हम बना रहे हैं उसका टेक्सचर उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इन सोया वड़ी में से आप सारा पानी अच्छे से निकाल लें। इसमें से पानी निकालने के बाद आपको इन्हें एक मिक्सर में ट्रांसफ़र करना है और फिर हमें इसको ग्राइंड करना है। लेकिन आप इसको लगातार ग्राइंड मत करिएगा वरना इसकी पेस्ट बन सकती है, तो इसलिए मिक्सी को आपको चालू बंद करके इसको पीसना है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो सोया वड़ी है ये मिक्सी में डालने के बाद इसकी पेस्ट बन रही है तो आप क्या कर सकते हो कि उनको एक ग्रेटर की सहायता से ग्रेट भी कर सकते हो। सभी सोया वड़ी को मैंने ग्राइंड कर लिया है और जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल इस प्रकार का होना चाहिए। अब एक कढ़ाई में हम देंगे 3 से 4 बड़ी चम्मच बटर। बटर के बजाय आप घी का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब देखो क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो वेज कीमा है इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बना रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर ज़्यादा बटर का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप कम बटर या घी का इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा और इस जीरा को हम अच्छे से भूनेंगे। जीरा जब अच्छे से भून जाए और उसमें से एक अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए तब हमें यहाँ पर इसमें डालना है 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसुन की कलियाँ और इनको मैंने एकदम ही बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ था। इसी के साथ मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक और इस अदरक को मैंने इस प्रकार से लंबा लंबा कट किया हुआ है और फिर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 3 से 4 हरे मिर्च और इन्हें मैंने बीच में से इस प्रकार से स्लिट कर लिया था। इस रेसिपी में आपको अदरक लहसुन और हरे मिर्च को इस प्रकार से साबुत ही रखना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको इसमें अदरक लहसुन और हरे मिर्च की पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इन तीनों को हम तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो अदरक लहसुन और हरे मिर्च का कच्चा पन है वो चला जाए। जब ये एक बार अच्छे से भून जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने तकरीबन 2 प्याज का इस्तेमाल किया हुआ है जिसको मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ था। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं जाता और आप चाहो तो इसमें इस वक्त थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हो ताकि जो प्याज है ये फटाफट से कुक हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो प्याज है ये काफ़ी ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ 1/2 शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी हम तब तक पकाएंगे जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाता और उसका जो कलर है वो भी चेंज नहीं हो जाता। कैप्सिकम भी अच्छे से पक चुके हैं तो अब इसमें जाएंगे 2 टमाटर। टमाटर के बजाय आप टमाटर की प्यूरी भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो और अब इस टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक एकदम ही सॉफ्ट नहीं हो जाता और पूरा गल नहीं जाता। ये जो टमाटर है ये फटाफट से कुक हो जाए इसलिए इस वक्त मैं इसमें नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने तकरीबन 1 बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। अब बस हम इसे ढक कर पकाएंगे ताकि ये फटाफट से कुक हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो टमाटर है ये अच्छे से पक चुका है और अब ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुका है। तो अब बारी आती है इसमें कुछ मसाले डालने की। तो यहाँ पर गैस को स्लो कर लीजिए ताकि ये जल ना जाए। तो मसालों में पहले यहाँ पर जाएगा 1/4 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी। अब मैंने लिया है 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये उतना तीखा नहीं होता, इससे बस यहाँ पर जो वेज कीमा का कलर है वो काफ़ी बढ़िया आएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर। इसी के साथ मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ 1/4 टीस्पून चाट मसाला। इससे ज़्यादा चाट मसाले का इस्तेमाल मत करेगा वरना फिर ये जो वेज कीमा है ये कुछ ज़्यादा ही चटपटा बन जाएगा। और अब जो सबसे मेन मसाला है वो है पाव भाजी मसाला। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच पाव भाजी मसाले का इस्तेमाल किया हुआ है।
यदि आपके पास पाव भाजी मसाला अवेलेबल ना हो तो फिर आप इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बस इन मसालों को हमें 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो चला जाए। जब मसाले एक बार अच्छे से पक जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसको मिक्स करते रहिए और ज़रूरत के अनुसार आप पानी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये जो सोया वड़ी है ये थोड़े से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसी के अनुसार यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करें। चलिए अब जो सोया वड़ी को हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहो तो इस समय इसी के साथ थोड़ा सा ग्रेट किया पनीर भी डाल सकते हो। वेज कीमा जो है ये काफ़ी अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। कुछ लोग इसमें गाजर, मटर और आलू भी डालते हैं तो आप चाहो तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बस हमें इन सभी को अच्छे से एक बार मिक्स करना है। इसमें सोया वड़ी डालने के बाद आपको गैस को स्लो कर देना है और इसे आप लगातार 10 मिनट के लिए पकाइए। ऐसा करने से जो भी मसाले का फ्लेवर है वो इस सोया वड़ी में अच्छे से घुल मिल जाएगा। 10 मिनट हो चुकी है तो सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया और इसी के साथ सबसे आखिर में जाएगा थोड़ा सा बटर। बस इन सभी को हम कर लेते हैं मिक्स और यहाँ पर जो वेज कीमा है ये बनकर रेडी हो चुका है। वेज कीमा को अक्सर पाव के साथ सर्व किया जाता है तो इसीलिए हम एक तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और धनिया डाल रहा हूँ। आप चाहो तो उसको और तीखा बनाने के लिए इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और फिर इसके ऊपर पाव को रख के इसे हमें अच्छे से सेकना है। चलिए पाव भी अच्छे से सेक चुके हैं तो अब हम इसको सर्व करेंगे। ये जो वेज कीमा हमने बनाया है ये बनाने में जितना आसान है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है।